श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। लगातार पिछले एक वर्ष से हमारे सभी पर्व, सभी उत्सव और सभी त्योहारों का लाभ घर बैठे ही ऑनलाइन सभा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। साथ साथ में ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज की आज्ञा की रवि सभा, जो हमें प्रति सप्ताह सत्संग की ज्ञान गंगोत्री का लाभ प्राप्त करवाती है, वो सभा का लाभ भी हम घर बैठे ही प्राप्त करते हैं। आज भी हमें विशिष्ट रविवार सत्संग सभा का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आइए आज की सभा का प्रारंभ करते हैं धुन प्रार्थना एवं स्तुति के गान से। अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षर पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। जय अक्षर पति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। स्वामी नारायण भगवान महंत स्वामी माँ विचरे आज। स्वामी माँ विचरे आज। स्वामी नारायण भगवान महंत स्वामी माँ विचरे आज। महंत स्वामी माँ विचरे आज अनेक जीवो ना कल्याण काज। महंत स्वामी अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी। प्राणी स्वामी नारायण
नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण गाइए 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 दुरिजन थीलेशन ल जाइए रे दुरिजन थीलेशन ल जाइए रे न ल जाइए गाइए 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 स्वामी नारायण महामंत्र छे स्वामी नारायण महामंत्र छे प्रगट हरि नु नाम प्रगट हरि नु नाम आ अवसर जे कोई लेशे आ अवसर जे कोई लेशे तेना सर शेका तेना सर शेका प्राणी स्वामी नारायण गाइए 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऊँचे साधेगा ऊँचे साधेगा सांभणीने जमदूत तेने सांभणीने जमदूत तेने दुर्थी लागे पाय दुर्थी लागे पाय प्राणी स्वामी नारायण गाइए 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 स्वामी नारायण नामनो प्राणी स्वामी नारायण नामनो प्राणी अति मोटो प्रताप अति मोटो प्रताप अंत काले प्रभु तेड़वावे अंत काले प्रभु तेड़वावे स्वामी नारायण आ स्वामी नारायण आ प्राणी स्वामी नारायण गाइए 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण सुमरिए प्राणी स्वामी नारायण सुमरिए प्राणी तजी लोक नीलाज तजी लोक नीलाज प्रेमानंद कहे राजी थईने प्रेमानंद कहे राजी थईने नाउर मारा हे महाराज हे नाउर मारा हे महाराज प्राणी स्वामी नारायण स्वामी नारायण गाइए 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 प्राणी स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण श्रीमत् सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवे साक्षर मुक्त कोटि सुखदं नैकावताराधीपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैः वेदादिकीर्त्यं विभुम् तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् भगवान् स्वामीनारायण जी अत्यंत करुणा करके इस अवनि पर अवतरित हुए। उन्होंने अनेक मुमुक्षुओं के लिए आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग खुला किया। भगवान स्वामीनारायण जी का यह कार्य आज भी चालू है गुणातीत गुरु परंपरा के द्वारा, जो सदैव चालू रहेगा। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण जी के हृदयगत सिद्धांत को मूर्तिमंत बनाया और सिद्धांत सम्मत संस्था की स्थापना करी। गुरु योगी जी महाराज ने बालमंडल, युवा मंडल और संयुक्त मंडलों के द्वारा इस संस्था को पुष्टि दी। गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने शास्त्र, मंदिर और संतों के निर्माण द्वारा उन्होंने इस संस्था को विश्वव्यापी बनाया और आज वह सभी कार्य चालू है गुरु हरि महान स्वामी जी महाराज की निष्ठा में। गुरु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण जी द्वारा दिए गए वैदिक सनातन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थापित करते प्रस्थान त्रयी पर भाष्यों की रचना करवाई महामहोपाध्याय पूज्य बद्रेश दास स्वामी जी के द्वारा। और हम सबको विदित है कि काशी के मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा इस सिद्धांत को, इस दर्शन को वैदिक
और सनातन दर्शन के रूप में इसका स्वीकार, समर्थन और सम्मान भी किया गया है और काशी के अंदर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना भी हो चुकी है। और अभी अभी दक्षिण भारत के अंदर तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विविध मत के विद्वानों के द्वारा वहाँ पर एक विद्वत संगोष्ठी, विमर्श और शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ था। उसके अंदर सभी विद्वानों ने इस बात का स्वीकार किया है कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक दर्शन है। सभी ने मिलकर इस दर्शन का स्वागत, सम्मान, समर्थन और उनका स्थापन किया है। आइए हम सब भी साक्षी बनते हैं उस ऐतिहासिक पल के जिसके अंदर इस दर्शन का स्थापन हुआ है। एक वीडियो के माध्यम द्वारा हम सब उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं। तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बसा एक महातीर्थ। समुद्र तल से 3,200 फीट की ऊंचाई पर तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का प्रधान आकर्षण है। भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा यहाँ निरंतर बरसती रहती है, इसीलिए प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी महान तीर्थ भूमि में स्थित है राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत जैसे जग प्रसिद्ध शास्त्र जिस भाषा का गौरव चिन्ह है, ऐसी देव भाषा संस्कृत का इस विश्वविद्यालय के द्वारा संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि सारे शास्त्र संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं और इसमें जो भी छात्र है, लगभग 2000 छात्र यहाँ छात्रावास में रहते हैं और ये सारे छात्र इस कैंपस में संस्कृत में ही बात करते हैं और अध्यापकों के साथ संवाद करते समय भी ये सारे छात्र संस्कृत में ही बात करते हैं। भारतीय शिक्षण परंपरा के अनुसार यहाँ विविध विषयों पर संगोष्ठियों एवं शास्त्रार्थों का भी यज्ञ चलता रहता है। न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि में विशारद, शास्त्रार्थ कुशल, प्रौढ़ अध्यापक उन संगोष्ठियों एवं शास्त्रार्थों में सदा अभिरत रहते हुए उसका सुचारू संचालन करते रहते हैं। इन सभी शैक्षिक व शास्त्रीय प्रवृत्तियों एवं सिद्धियों के पीछे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुरलीधर शर्मा जी का कठिन पुरुषार्थ है। उनकी निश्रा में एक विलक्षण कार्य कुछ दिन पूर्व ही संपन्न हुआ। भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा स्थापित श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की विविध शाखाओं में से एक BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान संत महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को यहां एक विशिष्ट प्रयोजन से निमंत्रित किया गया। जब से स्वामी जी का परिचय मुझे हुआ है और इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का भी परिचय हुआ है और ये भी पता चला है कि स्वामी जी ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का भाष्य लिखा है, तो मैंने अपने विश्वविद्यालय के ओर से स्वामी जी को आमंत्रित किया कि स्वामी जी आप यहाँ आए और हमारे घर में रहें और जो भी हमारे शास्त्र पंडित है, अद्वैत के, द्वैत के, विशिष्टाद्वैत के कई शास्त्रों के पंडित हैं, उनसे आप चर्चा करें, उसके बाद हम एक राष्ट्रीय स्तर के विद्वत संगोष्ठी करें। अंततः 26 जनवरी से एक ऐसे सुदीर्घ शास्त्रार्थ का आरंभ निश्चित हुआ जो 10 दिनों तक चलने वाला था। आयोजन के अनुसार स्वामी भद्रेश दास जी
निर्णित समय पर वहां जा पहुंचे। उनके साथ श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज एवं प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की चल प्रतिमाएं भी थी। 27 तारीख से एक एक विद्वान अद्वैत के, विशिष्टाद्वैत के, द्वैत के, न्याय शास्त्र के, व्याकरण के, कई शास्त्रों के विद्वान एक एक आए हैं और उनसे स्वामी जी ने काफ़ी चर्चा, शास्त्रार्थ की चर्चा की। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का भी परिचय कराया, भाष्य का परिचय कराया, वाद विवाद ग्रंथों का भी परिचय उन्होंने दिया। इस विरल शास्त्रार्थ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले विद्वान भी साधारण न थे, अपने अपने दर्शन तत्व ज्ञान के प्रकांड पंडित थे। ये ऐसे विद्वान थे जिन्हें उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र आदि शास्त्र कंठस्थ हैं, जिन्हें न्याय और व्याकरण के सिद्धांत हस्तामलकवत हैं, जो अनेकों बार शास्त्रार्थ कर चुके हैं, जो धारा प्रवाह से संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं और जिन्हें अशास्त्रीय प्रस्तुति कभी भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे प्रखर विद्वानों के साथ कई दिनों तक उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र तथा परब्रह्म स्वामी नारायण के वचनामृत आदि शास्त्रों का आधार लेकर शास्त्रार्थ चलता रहा। शास्त्रार्थ का केंद्रभूत विषय था परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित वैदिक सनातन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन। प्रातः 10 से लेकर के 10 से लेकर के शाम को 7 तक अनवरत चर्चा चलती थी। एक एक विद्वान अपने अपनी मतों को लेकर उपस्थापित करता था और उसके बाद स्वामी जी उनकी जिज्ञासाओं का शमन करते थे। इसका मैं साक्षात्कार मैंने स्वयं किया है, मैं प्रत्यक्ष वहीं पर था। एकं चेतनं तत्त्वमस्ति इति अक्षरम् इत्यस्मिन् उच्यते। तत्कथम् इति इदानीं निरूपयामि। तेन अक्षरेण रूपेण, अर्थात् अक्षरगुणान् प्राप्य, अक्षरब्रह्मगुणान् प्राप्य परब्रह्मणः उपासना कर्तव्या इति सिद्धान्तः। यथा अद्वैते अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि अतः ब्रह्मशब्दवाच्यं द्वयं भवति इति तात्पर्यम्। एकम् अक्षरं ब्रह्म, द्वितीयं परं ब्रह्म। इस शास्त्र चर्चा के दौरान जब वे भगवान के स्वरूप की बात करते थे तब कहते थे कि भगवान सदैव इस पृथ्वी पर प्रकट रहते हैं। ये बात सुनकर सभी विद्वान चकित हो जाते थे। यथा परमात्मा सर्वव्यापकः वर्तते, सर्वसमुत्कृष्टः वर्तते, केषुचित् दर्शनेषु अयं परमात्मा सदा साकारः वर्तते इत्युच्यते। सर्वकर्ता अस्ति परमात्मा इत्यपि तत्र तत्र अंगीकृतम् अस्ति। अस्मिन् अक्षर पुरुषोत्तम दर्शने अयं परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तमः नारायणः प्रकटः वर्तते, सदैव प्रकटः वर्तते, सदैव न केवलं अवतार समये एव, किन्तु तदनन्तरमपि तेषां प्राकट्यम् इह वर्तते इति अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य दर्शनांतरेभ्यः वैलक्षण्यम् अस्ति। और ये मेरे लिए एक अलौकिक अनुभव रहा कि 10 तक स्वामी जी का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और जब विद्वान लोग उनके प्रमाणों से संतुष्ट हो करके जब निर्गमन करते थे तो मैं स्वयं उनसे पूछता था कि आपको कैसा लगा, तो वो यही कहते थे कि नहीं, ये अपूर्व और अलौकिक हमें अनुभव हो रहा है इस तरह का दर्शन। यद्यपि हम अद्वैतवादी, द्वैतवादी या और दूसरा मीमांसा इत्यादि का अनुसरण करते हैं और दर्शनों का, लेकिन इस दर्शन के बारे में जो चिंतन उपस्थापित किया है, जिस तरह से इसका प्रतिपादन किया गया है, उसमें कोई संशीत लेश भी नहीं है कि हम इसको यह ना कह सकें कि एक स्वतंत्र दर्शन नहीं है। इसी आयोजन के अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी 2021 के दिन
विश्वविद्यालय की ओर से एक विशिष्ट संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। 4 तारीख को हमने एक राष्ट्रीय स्तर के विद्वत संगोष्ठी इसका आयोजन हमने किया है, जिसमें चेन्नई से, हैदराबाद से, कांचीपुर से और तिरुपति से, तिरुपति में भी हमारे विश्वविद्यालय से और वैदिक विश्वविद्यालय से और धर्मगिरी वेद पाठशाला से कई शास्त्रज्ञ आए हैं, अद्वैत के, विशिष्टाद्वैत के, द्वैत के, न्याय के, व्याकरण के, वेदांत के, सारे शास्त्रों के विद्वान इकट्ठे हुए। लगभग 35 विद्वान इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े जैसे कृष्णमूर्ति शास्त्री जी, जो भारत के अद्वैत शास्त्र के माने जाने विद्वान है, न केवल अद्वैत शास्त्र के, न्याय और मीमांसा के भी बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, और मणिद्राविड जैसे अद्वैत शास्त्र के, मीमांसा के, न्याय शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, उसी तरह ML मूर्ति जी और व्याकरण के हमारे मित्र श्री जानमध्य रामकृष्ण जी, इस तरह के कई विद्वान इसमें बैठे हुए थे। इस विशिष्ट संगोष्ठी का शुभारंभ भी उतना ही विशिष्ट था। कुलपति निवास से लेकर शास्त्रार्थ भवन पर्यंत श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के शास्त्रों की शानदार शोभा यात्रा से इस संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। इस शोभा यात्रा का संकल्प एवं आयोजन विद्वानों एवं कुलपति श्री ने मिलकर किया था। शोभा यात्रा के दौरान प्रस्थान त्रय, स्वामीनारायण भाष्य आदि शास्त्रों को विद्वानों ने अपने हाथों में धारण किए थे। शास्त्रार्थ भवन में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं प्रस्थान त्रय, स्वामीनारायण भाष्य इत्यादि ग्रंथों को मुख्य वेदिका पर सम्मान पूर्वक स्थापित किया गया। उसके बाद इस ऐतिहासिक विद्वत संगोष्ठी के प्रथम सत्र का आरंभ हुआ। आज का ये पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में ही होने वाला था। इस शास्त्रार्थ की अपूर्वता दर्शाते हुए सभा संचालक डॉक्टर पंकज कुमार व्यास जी ने सत्र का आरंभ किया। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ऐतिहासिक कार्यक्रम कश्चन आयोज्यते। एतादृश कार्यक्रम इतः पूर्वं तु न जातः, अद्य संपत्स्यते। मंगलाचरण, दीप प्राकट्य एवं सरस्वती वंदना के बाद स्वामी भद्रेश दास जी का सम्मान किया गया। तदनंतर अद्वैत तत्व ज्ञान के प्रखर पंडित श्री GSR कृष्णमूर्ति जी ने स्वरचित श्लोकों का गान करके भगवान श्री स्वामीनारायण, श्री अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्य, भाष्य के प्रेरणा मूर्ति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज और भाष्यकार श्री भद्रेश दास जी की प्रशस्ति की। उसके बाद श्री के विश्वनाथ शास्त्री जी ने भगवान श्री स्वामीनारायण एवं भाष्यकार श्री भद्रेश दास जी का परिचय प्रस्तुत करते हुए कहा। श्री ये वचनामृत नामके ग्रंथे अस्य दर्शनस्य प्रधान उल्लेखं कृतवन्तः। अस्य दर्शनस्य प्रारंभं ते तस्मिन् ग्रंथे कृतवन्तः। अब समय था महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी के वक्तव्य का। उन्होंने मंगलाचरण से अपने वक्तव्य का आरंभ किया। स्वामीनारायण साक्षाद अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिं आनंदं सुखमर्पयेत्। अहम साधु भद्रेशदासः अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन किंकरः गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराजैः दीक्षितः इदानीं गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराजानां निश्रायां
सेवारतोस्मि धन्योस्मि अद्य तत्र कारणमस्ति तत्र भवाद् दुषानां दर्शनम् पंडितानां सौहार्द्येन एकत्र मेलनम् धन्यतायै भवति भवन्तः सर्वेपि स्वस्वसंप्रदाय परिनिष्ठिताः विविध विद्यासु निष्णाताः एतादृशः पंडिताः न सर्वत्र लभ्यन्ते इति दन्दोस्मि तत्पश्चात् इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण गुणातीत गुरु परंपरा वरिष्ठ त्यागी संतों एवं संतों के साथ उन्होंने संप्रदाय के गृहस्थ हरिभक्तों का भी स्मरण किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किसी भी दर्शन अथवा तो संप्रदाय का यथार्थ परिचय केवल ग्रंथों से नहीं होता, ग्रंथों के साथ तत्तत् संप्रदाय की गुरु परंपरा भी देखनी चाहिए, मंदिरों को भी देखना चाहिए, भक्तों के जीवन को और संप्रदाय की प्रवर्तमान प्रणालियों को भी देखना चाहिए। परब्रह्म स्वामी नारायणं स्मरामि, अस्माकं गुरु वर्यान् स्मरामि, अस्माकं संप्रदाय ये ज्येष्ठाः साधवः सन्ति तपस्विनः तेषां स्मरणं करोमि, अस्माकं ये अन्य तपस्विनः साधवः सन्ति तेषां स्मरणं करोमि, अस्माकं गृहस्थाः हरिभक्ताः सन्ति लक्षशः तेषां स्मरणं करोमि। किमर्थम् इत्युक्ते मया तु केवलं दर्शनस्य परिचयः दातव्यः, ते जीवन्ति, ते अनुसरन्ति। यदि भवन्तः अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति केवल ग्रन्थेन ज्ञानं नैव भविष्यति, ते साक्षात् कर्तव्याः, मन्दिराणि द्रष्टव्यानि, भक्ताः द्रष्टव्याः, परम्परा द्रष्टव्या, जीवनं द्रष्टव्यम्। अतः तेषां स्मरणं करोमि। उसके बाद उन्होंने अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि दर्शनों को भी नमन किया, जो उपस्थित सभी शास्त्रार्थी विद्वानों के लिए एक विरल अनुभूति थी। हम अद्वैतम नमस्करोमि, हम विशिष्टाद्वैतम नमस्करोमि, हम द्वैतम नमस्करोमि। किमर्थम इत्युक्ते सर्वेपि वयं परंपरा रक्षार्थं कृतबद्धः, परस्परं मिलित्वा एवं वार्तालापेन अस्माकं तत्तत् वैदिक संप्रदायेषु ये विशिष्टाः विचाराः तेषां विमर्शेन कथम् अस्माभिः परमात्मा आराध्यते, मुक्तिः अवाप्यते, साधनं क्रियते इत्यस्य ज्ञानं भवति। एवं भूमिकां विरच्य इदानीम् अहम् अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अक्षरपुरुषोत्तम दर्शन परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण के द्वारा प्रबोधित है, ऐसा कहकर उन्होंने दर्शन के शास्त्रीय परिचय का आरंभ किया। इदम् अक्षरपुरुषोत्तम दर्शनम् परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधितम् दर्शनमस्ति, तहि अस्य संप्रदायस्य स्थापनं कृतम्। तेव अस्मिन् संप्रदाये इष्ट देवत्वेन उपास्यते आराध्यते। सर्वप्रथम एक श्लोक के द्वारा उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया। तेषां कृते एकः श्लोकः अस्ति, आदौ भक्त्यंग जन्मा गहन वनगतिर नीलकंठ स्वरूपे सिद्धांत स्थापनार्थम स्थितिमति दयया संप्रदाय प्रतिष्ठां। तत्पश्चात उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का संक्षिप्त में निरूपण किया। अस्मिन् सिद्धांते आत्मनि अक्षर ब्रह्म गुणाः प्राप्तव्याः इत्युच्यते।
स्वात्मानं अक्षरं विभाव्य पुरुषोत्तमस्य भक्ति ही कर्तव्या इति मुख्यः सिद्धान्तः। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विशिष्ट तत्व अक्षर ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहा, अक्षर ब्रह्म इति शब्देन इह परब्रह्मणः न्यूनम् जीवात्मनः श्रेष्ठम् नित्यम् सत्यम् मायातीतम् दिव्यम् तत्त्वमुच्यते अक्षरम् इति। वचनामृत ग्रंथ जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का मूल आधार है, उस ग्रंथ में से भगवान स्वामीनारायण के मूल गुजराती वचनों का पठन कर उन्होंने वचनामृत में से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन किया। वचनामृतमिति ग्रंथः अस्ति यत्र भगवत स्वामीनारायण पादानां उपदेशानां संग्रहः अस्ति। तत्र एवं लिखितमस्ति गुर्जर भाषायां, अस्तावरणे युक्त एवाजे कोटि कोटि ब्रह्मांड जे अक्षरने विषे उड़ता फरेशे एवं जे पुरुषोत्तम नारायण नो धाम रूप अक्षर ए रूपे पोते रहो थको पुरुषोत्तमनी उपासना करे तेने उत्तम निर्विकल्प निश्चय कहिए। एवं पठनस्य अस्माकं शैली वर्तते गुर्जर देशे। अत्र किम् उक्तम्? परमात्मनः उत्तमः निश्चयः कदा भवति? यदा जीवः अक्षर रूपः भवति। उसके बाद जिन्होंने इस दर्शन का नामाभिधान किया है, जिन्होंने परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित इसी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को केंद्र में रखकर इसी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए BAPS स्वामीनारायण संस्था यानी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था की स्थापना की है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप यज्ञ पुरुषदास जी श्री शास्त्री जी महाराज का भी उन्होंने स्मरण किया। शास्त्री जी महाराज इति तेषां नामधेयम्। तैहि प्रप्रथम वारं अक्षर शब्दं पुरुषोत्तम शब्दं तत्र तत्र इति प्रयुज्यमानो एतौ शब्दवा आस्ताम तयोः सम्मेलनं कृत्वा अयं यो सिद्धान्तः वर्तते अस्य शास्त्रीयं नाम अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनं भवेत् येन सर्वेषां ज्ञानाय सुकरं भवति तेनैव नाम्ना तैः संस्था स्थापिता। अतः अस्माकं संस्थायाः अपि नाम अक्षर पुरुषोत्तम संस्था। उसके बाद स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ में से कुछ अवतरण पढ़े गए। सभी विद्वानों को इन अवतरणों के पत्र दिए गए थे। उपनिषद ब्रह्म सूत्र एवं श्रीमद् भगवत गीता में किस प्रकार अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, उसका विशद निरूपण स्वामी भद्रेश दास जी ने किया। उन्होंने निरूपण का आरंभ किया उपनिषदों से। एषा एव हि इत्युक्ते अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एव हि कर्मालेपकरः का श्रुति आगच्छति अत्र, न कर्म लिप्यते नरे तस्य बीजम्, विजुगुप्सा शोक मोह विलोपकः न विजुगुप्सते तत्र कशोकः को मोहः एकत्वम् अनुपश्यतः इति शब्दद्वयेन ईशावास्यस्य स्मरणम्। ज्येष्ठ लोक प्रतिष्ठापकः इति केनस्य अन्ते? ज्येये लोके प्रतिष्ठति इति। मृत्युमुख प्रमोचकः महतः परं निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते तस्य बीजं, बीजरूपेण अत्र संवृतेः सम्पूर्णः सिद्धान्तः। इन्द्रियाणि परान्याहुः इन्द्रियेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः। अत्र अक्षरपुरुषोत्तम दर्शनमस्ति इति कृत्वा उच्यते सम्पूर्णः मन्त्रः। बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किञ्चित्, सा काष्ठा सा परागतिः। तत्र अव्यक्तशब्देन अक्षरं ब्रह्म गृहीतम् अस्मिन् दर्शने।
तदनन्तरम् उच्यते सर्वविद्याप्रतिष्ठाभूतः। अत्र मुण्डकस्य प्रस्तावः वर्तते सर्वविद्याप्रतिष्ठाभूतः अक्षरपुरुषोत्तम दर्शनदृष्ट्या इयम् उपनिषत् महत्त्वं भजते। कथम्? तत्र ब्रह्मविद्यायाः प्रस्तावः। उन्होंने बताया कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के लिए मुंडक उपनिषद महत्वपूर्ण है। उसमें पराविद्या के रूप में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का विशद निरूपण है। तदनंतरम अथ परा इति परायाः लक्षणम् उच्यते तत्र अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य आरंभः। अथ परा यया तद् अक्षरम् अधिगम्यते। उन्होंने मुंडक उपनिषद के उस मंत्र का उल्लेख किया जिसमें अक्षर और पुरुषोत्तम इन दोनों तत्वों का एक ही मंत्र में निर्देश किया गया है। येन अक्षरम पुरुषम वेद इत्यत्र अक्षरम इति पुरुषस्य विशेषणत्वेन अन्यैः गृह्यते। अविनाशिनं पुरुषं परमात्मानं वेद जानाति इति अन्यत्र। अत्र किम् उच्यते? येन अक्षरम पुरुषम च उभयम् अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनम् इति। तस्य विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति। परावरे अपि अक्षर पुरुषोत्तमः परोपि अवरः स परः कः इत्युक्ते अक्षरम्। तदक्षरमपि अवरतया यत्र भवति सः परमात्मा परावरः इति परात्परः इत्युच्यते। एवं पञ्चसु पंक्तिषु दशोपनिषत् सारः। उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय अध्याय के अंत में जहां ब्राह्मी स्थिति का निर्देश है वहीं से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के निरूपण का आरंभ होता है। द्वितीय अध्यायस्य अंते यदा स्थितप्रज्ञस्य समाधिनिष्ठस्य स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानाम् उपसंहारः भवति। तत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति उपसंहारे स्वयमेव एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनम् अधिकृत्य इदं वाक्यं महत्त्वं भजते अनन्तरं वदिष्यामि। इयं भूमिका रच्यते तदनन्तरं भवद्भिः यदा प्रश्नाः क्रियन्ते तदा अधिकं स्पष्टं भविष्यति। एषा ब्राह्मी स्थितिः ब्रह्मणः इयमिति ब्राह्मी इत्युच्यते। प्रथमवारं श्रीमद्भगवद्गीतायां ब्रह्मशब्द प्रयोगः। तदनन्तर ब्रह्म सूत्र में से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के ऐसे अमृत वचनों का निर्देश किया जिसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा आदि ब्रह्म सूत्र के सत्यार्थ का बीज समाहित है। वचनामृते ब्रह्म ज्ञानस्य विवरणं कृतमस्ति। हवे ब्रह्म ज्ञान मातो एम समझवो जे ब्रह्म ज्ञान इति अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्य विषय कि ब्रह्म छे ये तो निर्विकार छे ने निरंश छे माटे विकार ने पामे नहीं अने तेना अंश पण थाए नहीं अने ये ब्रह्म छे ये तो प्रकृति पुरुष आदिक सर्वे नु कारण छे आधार छे अने व्यापक छे अने ये ब्रह्म तके परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ते नोखा छे नोखा इत्युक्ते भिन्नः अने ब्रह्मनो पण आधार छे अने प्रेरक छे एम समझीने इति ज्ञात्वा એમ સમજીને તે બ્રહ્મ સાથે પોતાના જીવાત્માની એકતા કરીને પરબ્રહ્મની સ્વામી સેવક ભાવે ઉપાસના કરવી એને બ્રહ્મ જ્ઞાન કહીએ। એટલે બ્રહ્મ અતઃ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાયા તત્ર નિરૂપણમ કૃતમસ્તિ ઇતિ બ્રહ્મદ્વયસ્ય વિચારઃ અસ્માભિઃ અત્ર દીયતે બ્રહ્મસૂત્રેષુ। સ્વામી ભદ્રેશદાસજી કે સુદીર્ઘ નિરૂપણ કે બાદ પ્રશ્નોત્તર કા દોર ચલા। विद्वानों के द्वारा जो भी प्रश्न उठाए गए या जिन जिन विषयों पर जिज्ञासा प्रस्तुत की गई उन सभी का संतोषपूर्ण शास्त्रीय समाधान स्वामी भद्रेशदास जी ने दिया। एक विद्वान ने पूछा कि ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति
इस श्रुति का अर्थ आप कैसे करते हैं? ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति श्रुतेः अर्थः कथं योज्यते। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यत्र किं तात्पर्यं? तत्र अस्माभिः ब्रह्मशब्देन मुण्डकस्य अयं मन्त्रः खलु, तत्र मुण्डके ब्रह्मशब्देन अक्षरमेव गृह्यते इति अस्माभिः रुच्यते। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यत्र एव कारेण अत्र अभेदः सूच्यते इति प्रतिभाति। अस्माभिः प्रकारत्रयेण एवकारस्य योजना कृता। एकं यत् स्पष्टमस्ति, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव भवति, न तु अन्यः भवति, न भवति इति एकं तात्पर्यम्। अन्यत् तात्पर्यं ब्रह्मविदेव ब्रह्मविद् ब्रह्म भवति, न तु अन्यः। त्रयः अपि दन्तः निरूपिताः, त्रयः अपि, किन्तु तद् ब्रह्म, अक्षरं ब्रह्म इति अस्माभिः उच्यते। एक विद्वान् ने पूछा कि आप जो पांच अनादि तत्वों को ग्रहण करते हैं उनका नियामक वाक्य कौन सा है, अर्थात उसका मूल प्रमाण कहाँ है? तत्र पञ्चैव तत्त्वानि स्वीकृतानि, नियामकं किमपि अस्ति? नियामकं वाक्यम् अपेक्षते वा? नियामकं वाक्यं किम् इति वदन्ति? सामान्यं तत्र भगवत् स्वामिनारायणपादानां वचनं वदामि। तत्र वचनमस्ति, तेषां वचनामृतम् इति ग्रन्थः, तत्र प्रथमप्रकरणे सप्तमं वचनामृतमस्ति। तत्र अन्तिमं वाक्यं कि जीव, ईश्वर, माया, अक्षर ब्रह्म अने पर ब्रह्म ये नित्य तत्व छे, नित्य जुदा छे इति प्रमाणम् बहुत्र उक्तमस्ति। एतादृशानि वाक्यानि वचनामृते, अतएव तत्रतः दिशां गृहीत्वैव खलु इदं पुनः निरीक्षितम्। पुनः एक विद्वान ने पूछा कि इस दर्शन में मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति ही दृष्टि प्रतिपादते स्थान दर्शन में आती है। इसके उत्तर में स्वामी भद्रेश दास जी ने स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा ग्रंथ में से मुक्ति विषयक कारिकाओं का पठन किया। साधनं चेत् प्रसादाय, प्रसादात् सर्वमाप्यते, प्रसादात् लभ्यते मुक्तिं, जीवन्नपि मृतोऽपि वा, इति स्पष्टम्। बन्धः सत्यः इति अद्वैतात् भेदः। मुक्तिः सत्य, बन्धः सत्य तथा मुक्तिः सर्वजीवेश्वरात्मना। इसी विषय में एक विद्वान ने प्रश्न पूछा कि मुक्ति के बाद पुनः बंधन नहीं होता, ये आप कैसे समझाएंगे? द्वयोरेव नित्य मुक्तता स्वीक्रियते, अन्येषाम् आगन्तुकी मुक्तता स्वीक्रियते, मुक्तेः आगन्तुकत्वे मुक्तस्य पुनरावृत्तिः कथं वार्यते? नित्यत्वं कथं स्यात्? एकवारं मुक्तिः भवति चेत् अनावृत्तिकरत्वं कथम् इति भवतां प्रश्नः। तत्र आवृत्तेः यानि कारणानि सन्ति ते तत्र न सन्ति, तावदेव वदामः। आवृत्तेः जन्ममरणस्य कारणं किं? गुणत्रयं, गुणत्रयं वदामः। तत्र गीतायां मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते इत्युक्तम्। एकवारं माया तीर्यते चेत् तत्र पुनरागमनस्य प्रश्नः नास्ति। अन्य एक जिज्ञासु विद्वान ने प्रश्न पूछा कि तदैक्षत, इस श्रुति का अर्थ आप कैसे करेंगे? तदैक्षत इत्यत्र या सद्विद्यायाम् अयम् तदैक्षत एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेति, तत्र सृष्टि विषयकोऽयं प्रश्नः, तत्र दीर्घम् उत्तरं भविष्यति। उनके इस दीर्घ उत्तर के दौरान तत्त्वमसि इस श्रुति का जब निर्देश हुआ, तब इस विषय में भी जिज्ञासा प्रस्तुत की गई। उभाभ्याम एक्यम इत्युक्ते एकेन एवं भवति तत्र योजना। ब्रह्मभूतः इत्यत्र यः अंशः वर्तते तेन अंशेन अक्षर ब्रह्मणा सह। इस प्रकार विद्वानों के द्वारा किए गए अनेक प्रश्नों का शास्त्रीय समाधान स्वामी भद्रेश दास जी ने दिया और अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रतिपादन किया। इस प्रश्नोत्तर का अपना एक विशेष अनुभव कहते हुए सभा संचालक श्री पंकज कुमार व्यास जी ने बताया था, जब द्विवचनान समास किया कि अक्षर पुरुषोत्तमयो हो ब्रह्मणोर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, तब किसी विद्वान ने संगोष्ठी में पूछा, उस अनुभव को मैं यहाँ पर उपस्थापित करता हूँ कि जन्माद्य से यथा में आप कैसे समन्वय करेंगे अगर आपने वहां ब्रह्मण और जिज्ञासा कर दिया।
तो यतः शब्द के लिए स्वामी जी ने तुरंत कहा कि यहाँ पर भी व्याकरण प्रमाण है, पंचमी विभक्ति तो यतः उस शब्द से हो ही रही है। वचन का ग्रहण करना है, दो वचन का ग्रहण कर लीजिए, द्विवचन का। तब एक चतुर पंडित ने फिर से कहा कि तत्तु समन्वयात् में अब आप क्या करेंगे, बताइए। तत्तु समन्वयात् इत्यत्र तदिति एकवचनेन निर्देशः द्विवचन विग्रहेण विरुध्यते एव इति। नहीं, वदामि। तत्तु समन्वयात् तत् जगत् कारणत्वं समन्वयात् संभवति इति एवं तत् शब्देन तत् गृहीतम्। तत्तु नाम जगत् कारणत्वं समन्वयात्, ऐसा समन्वय तुरंत कर दिया। सभी पंडित चकित थे, सबके चेहरे पर मैंने देखा कि अपूर्व कल्पना, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से स्वामी जी उत्तर देंगे। तो सारी शंकाओं को, सारे संदेहों को और विद्वान के सारे प्रश्नों का बहुत ही भली भांति स्वामी जी ने समाधान किया है। वो सारे जो है अपनी शंकाओं को दूर करने के बाद वो एकदम संतुष्ट हो गए। इस विस्तृत प्रश्नोत्तर के बाद स्वामी भद्रेश दास जी ने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्संग दीक्षा का परिचय दिया। इति महंत स्वामी महाराजः तैः गुर्जर भाषया सर्वेषां सामान्य जनानां कृतेपि अयं सिद्धान्तः कथं जीवितव्यः, कथं ज्ञातव्यः, का च अस्माकं आचारशैली भवति इत्यादिकम् अत्र निरूपितमस्ति। अस्य वैशिष्ट्यं दर्शयितुम् इच्छामि। आधुनिक युग के स्मृति ग्रंथ समान इस शास्त्र का अवलोकन करके सभी विद्वान प्रसन्न हुए। एवं त्यागिनोपि च न न्यूनाधिकता तत्र सर्वे भक्ता यत प्रभो, यद्यपि अहम् त्यागाश्रमम् आश्रितः भवन्तः ग्रस्ताः किन्तु न्यूनाधिकत्वं नास्ति, यद्यपि अत्र उपविष्टः काशाय वस्त्रं गृहीत्वापि, यतो हि वयं सर्वे प्रभोः भक्ताः। तद् वैशिष्ट्यमस्ति खलु, लोकमर्यादया भवति, आश्रम मर्यादया भवति एव, सा तु मर्यादा पालनीयैव, मन्तव्यैव, तत्र लेशतोपि तत्र शङ्का नास्ति। किन्तु तया मर्यादया क्लेशः न कर्तव्यः, अभिमानः न कर्तव्यः इति अत्र तात्पर्यम्। इस प्रकार एक अभिनव दर्शन का परिचय प्राप्त करने के आनंद एवं अहोभाव के साथ शास्त्रार्थ का प्रथम सत्र पूर्ण हुआ। मध्यान्ह विराम में भी विद्वान अपनी जिज्ञासा के संतोष के लिए भद्रेश दास स्वामी जी से मिलते रहे और विविध शास्त्रीय विषयों पर विमर्श करते रहे। मध्यान्ह विराम के बाद इस संगोष्ठी के समापन सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम स्वामी भद्रेश दास जी ने इस दर्शन में गुरु का क्या स्थान है इस विषय में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस दर्शन के अनुसार परब्रह्म की भांति अक्षर ब्रह्म भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं गुरु के रूप में। अक्षरम ब्रह्म गुरुः अपि भवति, इदम् अक्षरं ब्रह्म मनुष्य रूपेणापि अवतरति, यथा परम ब्रह्म अवतरति तथा इमे गुरवः अवतरन्ति इति सिद्धान्तः। और इसीलिए गुरु के नाम के आगे ब्रह्म स्वरूप लिखा जाता है। अतएव अस्माकं गुरु परंपरा या विद्यते तत्र एकः शब्दः प्रयुज्यते लोके, यथा प्रमुख स्वामी महाराजाः सन्ति तत्पूर्वं ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराजा एवं लिख्यन्ते। ये वर्तमानाः गुरवः सन्ति तेषां कृते प्रकट ब्रह्मस्वरूप एवं शब्दप्रयोग, यथा इदानीं महंत स्वामी महाराजाः तेषां कृते शब्दप्रयोग प्रकट ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मस्वरूप इत्युक्ते साक्षात् ब्रह्मैव। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु में निरंतर परमात्मा का निवास होता है और इसीलिए ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु को परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है और उनका ध्यान भी किया जाता है। गुरुः अक्षरं ब्रह्म तत् परमात्मनः अपि स्वरूपं भवति, कथं तत् परमात्मनः नित्यं निवसनात् इति कृत्वा गुरुः परमात्मरूपेणापि सेव्यते ज्ञायते च। तदनंतर उन्होंने गुरु भक्ति के विषय में
शास्त्रों के प्रमाण भी दिए। अतः अत्र श्रुतिनाम एवं योजना वर्तते तद् विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् इति प्रथमं गुरुः आश्रयेण तदनन्तरं यथा गीतायाम् उक्तं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इति शिष्यस्य लक्षणानि तत्र उक्तानि यथा मुण्डकेऽपि तस्मै समान प्रशान्तचित्ताय समान्विता इति शिष्यस्य लक्षणानि एवं गुरुं प्राप्य सम्यग् शिष्य धर्मान् स्वीकृत्य तदनन्तरं तस्मिन्नेव गुरुः यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरुः इति श्रुतिमनुसृत्य तत्रैव अस्माभिः गुरुः स्नेहः क्रियते। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का स्मरण किया। अन्ते पुनः गुरुं स्मरामि यही अहं दीक्षितः प्रमुख स्वामी महाराजः तैः अक्षरधाम निर्मितम्। अक्षरधाम द्वयं भारतवर्षे अस्ति, एकं गुर्जरदेशे गांधीनगरे अस्ति, ततः महत् इदानीं दिल्लीनगरे बहुभिः दृष्टमिति मन्ये, ततोपि महत् इदानीम् अमेरिकादेशे निर्माणाधीनं वर्तते। इन मंदिरों की विशेषता दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि इन मंदिरों में वैदिक सनातन धर्म के प्रत्येक पहलुओं को उजागर किया गया है। यहाँ मंडोवर में शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी आदि आचार्यों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाता है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि जिस प्रकार इन्होंने वैदिक धर्म का रक्षण किया है, वैसे हमें भी करना चाहिए। शंकराचार्याणामपि, रामानुजाचार्याणामपि, मध्वाचार्याणामपि मंदिरेषु किमर्थम् अयम् वैदिकधर्मः। वयम् सर्वे वैदिकधर्मानुयायिनः। यथा एकैः वैदिकधर्मस्य रक्षणं कृतं तथा अस्माभिः कर्तव्यम्। अंत में उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि बोलने में कोई क्षति रह गई हो तो वो मेरी है, और जो यथार्थ बोला गया है वो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की कृपा से है। यत्किमपि दुरुक्तम तन्मम, यत्किमपि साधुक्तम तदक्षर पुरुषोत्तम महाराजस्य परमात्मनः इति मत्वा पुनः एकवारं धन्यवादान् व्याहृत्य अत्र अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विषयिणी या विद्वत् संगोष्ठी वर्तते तत्र अहम् विरमामि, प्रणमामि च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कुलपति श्री एवं महामहोपाध्याय श्री मणि द्रविड़ शास्त्री जी ने स्वामी भद्रेश दास जी का पुष्पमाला से सत्कार किया। और अब समय था विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुरलीधर शर्मा जी के अध्यक्षीय प्रवचन का। प्रथम उन्होंने इस पूरे आयोजन का संक्षिप्त इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि मैंने जब भद्रेश स्वामी द्वारा प्रणित ग्रंथों का परिशीलन किया, भारत के विविध कुलपतियों के द्वारा किया गया उनका सम्मान देखा, और काशी के विद्वानों के द्वारा इस दर्शन को दिया गया समर्थन देखा, तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि इन स्वामी जी को हमारे विश्वविद्यालय में भी निमंत्रित करना चाहिए। मया परम पूज्यैः श्री भद्रेशदास स्वामीभिः प्रणीताः ग्रन्थाः परिशीलिताः। भारते दिशि दिशि विविध क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वाणैः कुलपतिभिः विद्वद्भिः विहितः महान् सत्कारोऽपि स्वामिचरणानां महान् सत्कारोऽपि असकृत् दृष्टः। काशीपण्डितैः यदेतद् दर्शनस्य स्वामिभिः प्रणीत भाष्यादि ग्रन्थजातस्य समर्थनं व्यधायि तदपि अवालोकि। तदैव मया संकल्पः कृतः इमे स्वामिचरणाः केनापि व्याजेन अस्मिन् विश्वविद्यालये आह्वातव्याः इति, तथा तेषां दर्शनविषयिणे विद्वत्सङ्गोष्ठी चात्र समायोज्य इति। उन्होंने कहा कि आज सभी विद्वानों ने एक मत से प्रतिपादन किया है कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक सनातन दर्शन है। ये दर्शन
किसी अन्य दर्शन की शाखा नहीं है, परंतु एक स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। इदं च दर्शनम् न कस्यापि दर्शन विशेषस्य शाखा, परंतु स्वतंत्रम् मौलिकम् विशिष्टं च दर्शनम्। यथा अद्वैतादि दर्शनानां स्वीया उपासना पद्धतिः, एवं विशिष्टं तत्त्वज्ञानं, विशिष्टा प्रमाणमीमांसा, विशिष्टा सृष्टि मुक्ति मीमांसा, तथैव अस्यापि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य स्वीया उपासना पद्धतिः, विशिष्टं तत्त्वज्ञानं, प्रमाणमीमांसा, सृष्टि मीमांसा, मुक्ति मीमांसा च राराज्यते। अतएव इदं वैदिकं वेदांत दर्शनमिति वयं सर्वात्मना अंगीकुर्मः। भाष्य के प्रेरणादाता ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रमुख स्वामी महाराज का विश्व के ऊपर उपकार है। प्रमुख स्वामिनः अयम् विश्वोपकारः एव इति हम चिन्तयामि। तत्पश्चात इस बहुदिवसीय शास्त्रार्थ के परिणाम स्वरूप जो निर्णय लिए गए थे उनकी उद्घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, आप सभी विविध विषयों में पारंगत एवं पारंपरिक पंडितों की उपस्थिति में और आप सबके सम्मति पूर्वक राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष से, आप पंडितों के पक्ष से आज पौष मास की कृष्ण सप्तमी गुरुवार के दिन परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में विधिवत स्वागत सत्कार स्थापना हम करते हैं। मैं ये भी उद्घोषित करना चाहता हूँ, इसके बाद इस राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में यथा अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि विविध दर्शनों की तत्त्व संप्रदाय परंपरा के अनुसार स्वतंत्र वैदिक दर्शन के रूप में अध्ययन अध्यापन की परंपरा चल रही है, ठीक उसी तरह अब यहाँ परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की भी प्रस्थानत्री स्वामीनारायण भाष एवं स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा इत्यादि शास्त्रों के आधार पर स्वतंत्र दर्शन के रूप में अध्ययन अध्यापन परंपरा चलेगी। तदनंतर उपस्थित सभी विद्वानों की सम्मति से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के समर्थन में जो अभिलेख तैयार किया गया था उसका पठन कुलपति श्री ने किया। वयम् स्वामी भद्रेश दासानां गुरुवर्याणां श्री प्रमुख स्वामी महाराजानां अथ च श्री महंत स्वामी महाराजानां च कार्तज्ञं भरामः, मन्यामहे यत् तेषामेव अनुग्रहेण वेदांत विश्वे एतादृशं युगवर्ति कार्यं संजातमिति स्वस्ति। तत्पश्चात वेद मंत्रों के दिव्य नाद के साथ वरिष्ठ विद्वानों ने वो समर्थन अभिलेख स्वामी भद्रेश दास जी को अर्पण किया। इस समर्थन अभिलेख के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। संपूर्ण प्रस्थान त्रयी के स्वामीनारायण भाष्य की रचना से एक विशिष्ट सिद्धांत प्रवर्तक युग कार्य संपन्न हुआ है। ये कार्य परम सम्माननीय है। इनकी शास्त्र प्रणयन शैली अतिशय सरल, स्पष्ट, अर्थ गंभीर, प्रसाद मधुर, द्वेषादि दोष रहित और स्वसिद्धांत स्थापन हेतु समर्थ है। सप्ताह से भी अधिक दिन पर्यंत चले इस विमर्श की फलश्रुति स्वरूप हम सभी विद्वान सर्वसम्मति से ये घोषणा करते हैं कि परब्रह्म स्वामी नारायण प्रबोधित ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक सनातन दर्शन है। ये अद्वैतादि किसी अन्य दर्शन की शाखा नहीं है, परंतु एक स्वतंत्र वेदांत दर्शन है। प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्य के निर्माण से ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन यावत् चंद्र दिवाकर और रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
संपूर्ण प्रस्थान त्रयी भाष्यों के प्रणयन से स्वामी भद्रेश दास जी पूर्वाचार्यों की पंक्ति में साधिकार प्रवेश करते हुए भाष्यकार महाचार्य की पदवी अलंकृत कर रहे हैं। ऐसा हम सभी विद्वानों का हृदयाभिप्राय है। उसके बाद स्वामी भद्रेश दास जी ने विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एवं वरिष्ठ विद्वानों को प्रस्थान त्रयी स्वामी नारायण भाष्य विधिवत समर्पित किया। तत्पश्चात सभी विद्वानों का भी पुष्पमाला से सत्कार किया गया। अब समय है विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत अभिप्रायों के श्रवण का। इस बहुदिवसीय शास्त्रार्थ में सहभागी हुए विद्वानों में से कुछ विद्वानों के अभिप्राय यहाँ पर प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम महामहोपाध्याय श्री कृष्णमूर्ति शास्त्री जी ने कहा कि ये दर्शन एक विशिष्ट दर्शन है। ऐसा इनके ब्रह्म सूत्रादि शास्त्रों के भाष्य ग्रंथों को भली भांति देखकर मैंने स्पष्ट रूप से लिख कर दिया है। स्वामी भद्रेश दास जी की निरूपण शैली तत्वज्ञान क्षेत्र के महापंडित और साहित्य शास्त्र के धुरंधर मुरारी कवि के तुल्य है। पांडित्य युक्त प्रज्ञा के साथ स्वामी जी की लेखन शैली में कवित्व से युक्त मधुरता एवं रमणीयता विलसती है। ऐसा पांडित्य गुरु की कृपा से ही आता है। महामहोपाध्याय श्री मणि द्रविड़ शास्त्री जी ने कहा कि ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन परंपरा प्राप्त है और भाष्यों में जिस सूक्ष्मता से प्रस्थान त्रयी को प्रयुक्त किया गया है वो सच में विस्मय का विषय है। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन तदपि परंपरया आगतम अस्ति। तत्र प्रस्थान त्रय भाष्यस्य रचना एतैः कृता, अथ च कथं विशिष्य सूक्ष्मेक्षितया प्रस्थान त्रयं योजितम् तदस्ति विस्मयस्य विषयः। उन्होंने कहा ये संगोष्ठी संपूर्णतया सफल रही है और सुबह से मैंने यहाँ जो कुछ भी देखा है उससे मुझे अत्यंत हर्ष हुआ है। संगोष्ठी सा संपूर्णतया साफल्यं भजते इति अहं भावयामि। प्रातः प्रभृति मया अत्र यावत् दृष्टमस्ति तदनुसारेण तु अहं महान्तं प्रमोदं अनुभवामि इत्येतावता। उनके बाद जिन्होंने बहुत सारी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की थी ऐसे श्रीपाद सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने कहा कि आज उन्हें बहुत संतोष हुआ है और बहुत कुछ जानने को मिला है। महान संतोष जाता भवतां श्रीमतां स्वामीपादानां प्रवचनेन महान संतोष जाता। बहु किं विज्ञातम् अद्य अत्र आगत्य इदं मम भाग्यम्। श्री जे रामकृष्ण जी ने कहा कि यद्यपि ये नूतन दर्शन है तथापि पुरातन दर्शनों के तुल्य ही है। प्रायः नूतनम् इत्युक्ते सर्वत्रापि आक्षेपः भवति किन्तु आंग्ल भाषायाम् एकम् आभाणकं वर्तते ओल्ड इज गोल्ड नो डाउट न्यू इज प्लैटिनम इति वर्तते। अतः गोल्ड अपेक्षा अत्युत्तमं भवति ओल्ड इज गोल्ड नम शंकर भगवत्पाद रामंताचार्य मध्वजन तत्र नास्ति शंका न्यू वन इज प्लैटिनम तद्रीत्या एतेषां दर्शनम्। श्री एम एल एन मूर्ति जी ने कहा कि मैंने डेढ़ घंटे तक स्वामी भद्रेश दास जी के साथ चर्चा की है। अद्वैत की दृष्टि से भी मैंने जो जो जिज्ञासाएं प्रस्तुत की उन सभी का उन्होंने संतोषपूर्ण समाधान दिया है। प्रायशः सार्धैकहोरापर्यन्तं चर्चा कृता
अद्वैतदृष्ट्या मैं ये प्रश्न कृपा मैं प्रश्न प्रश्न न मम जिज्ञासा पुरुषाण दर्शन विषय या जिज्ञासा सर्वा सहिता तौर न कवल सहिता सप्रमाण सहिता सूक्ष्मता। मध्व दर्शन के प्रकांड विद्वान श्री नारायण आचार्य जी ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित वचनामृत नाम के शास्त्र में वेदों का सार ही संग्रहित है। वेदानां सारः एव भवति स्वामीनारायण भगवत्पादैः विरचिते विरचितं तत् वचनामृतं नाम। वेदानां सार केवल उनका शास्त्रीय विवरण अपेक्षित था जो भद्रेश स्वामी जी ने किया है और ये एक भगीरथ प्रयत्न है। अयं च प्रयत्नः भगीरथ प्रयत्नः न सुलभ साध्यः। तत्पश्चात विशिष्टाद्वैत के अनुयायी पंडित श्री सी रंगनाथन जी ने कहा कि आज सुबह मैंने जब स्वामी जी से जीव त्रैविध्य के विषय में पूछा तो तुरंत ही उन्होंने ग्रंथ में से वो विषय निकालकर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का वैशिष्ट्य समझाया। मया पृष्टं प्रातः जीव त्रैविध्यम् अंगीक्रियते वा भवद्भिः इति झटित्येव कस्मात् पुस्तकात् तत्र प्रायः 171 पेज् वा किमपि भवति अत्र पश्यन्तु भवन्तः इत्युक्तवन्तः नाम कीदृशं परिश्रमं कृतवन्तः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्पश्चात् विद्वत् वर्य श्री गणपति भट्ट जी ने बताया कि मनुष्य के अंतर में जो आसुरी संपत्ति है उसके निवारण के लिए ऐसा ही दर्शन कालांतर में अपेक्षित है। आदर्शी या आसुरी संपद वर्तते तस्याः निवारणार्थं एतादृशमेव दर्शनं काले अपेक्षितं वर्तते। अतः काले एतादृशं दर्शनं एकं युक्तं। सत्र के दौरान और सत्र के पूर्व की गई इन सभी प्रशंसाओं के बीच में स्वामी भद्रेश दास जी तो यही कहते रहे कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये तो केवल इष्ट देव भगवान स्वामी नारायण एवं गुरुदेव की कृपा का ही परिणाम है। नेदं मया लिखितमस्ति, स्पष्टं वदामि, मया न लिखितम् इति कृत्वा इदं बुद्धेः कार्यं नास्ति खलु। तत्र दोषाः भवन्ति, बहवः दोषाः भवन्ति, किन्तु अक्षर पुरुषोत्तम महाराजेन द्वारी कृत्यायं दासः अत्र प्रेरितः गुरु कृपैव केवलं अस्माकं गुरवः आसन् प्रमुखस्वामी महाराजः तैः अहं भाष्यकरणे प्रेरितः आज्ञापितः सूचितः तेषामेव प्रेरणा वर्तते और पन्ने पन्ने पर गुरु कृपा है, पंक्ति पंक्ति पर गुरु कृपा है, प्रतिपदम गुरु कृपा वर्तते, क्योंकि गुरु के बिना हम जी भी कैसे सकते हैं। तो ऐसे प्रमुख स्वामी जी के साथ मुझे 40 साल रहने का अवसर मिला और आज ऐसे ही हमारे गुरु महंत स्वामी जी हैं। श्री गणपति भट्ट जी ने उनके इस गुण का भी निर्देश किया। मैंने इसको खुद आमूलाग्र देखा और लगा कि ये पूरा श्रुति मूलक ही, कहीं भी श्रुति के साथ इन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की है, वैसा प्रयास ही नहीं है। जैसे श्रुति का हर जगह जो अक्षर पुरुषोत्तम योग का समर्थन मिलता है वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इदंच दर्शनम श्रौतमेव दर्शन श्रुतिम आधारीकृत्यैव उपनिषद्वाक्यानि स्वीकृत्यैव अस्यापि दर्शनस्य प्रवृत्तत्वात् सर्वथा प्रामाण्यं भजते आस्तिकानां दृष्ट्या इत्यत्र नास्ति संशय लेशोपि। इसके पहले हमें कुछ भ्रांति थी कि शायद यह द्वैत अथवा विशिष्टाद्वैत के समकक्ष कुछ उन्हीं तत्वों को लेकर विवेचित किया गया दर्शन है क्या, लेकिन वह सारी भ्रांति जब हमारी स्वामी जी के साथ चर्चा हुई और
उनकी जो कर्क मीमांसा जो है, अर्थात उन्होंने सप्रमाण और सयुक्ति जो हमारे प्रश्नों का समाधान किया, हमारी जिज्ञासाओं का शमन किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक स्वतंत्र धारा है, यह अन्यत्र नहीं मिलता है। अक्षर के द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति, अक्षर भाव की प्राप्ति, तद्वारा पुरुषोत्तम धाम की प्राप्ति, ये सारी बातें इसी दर्शन में, अन्यत्र नहीं है। भाष्य दृष्टिया, दर्शन दृष्टिया, तत्व दृष्टिया, वैदिक दृष्टिया, सर्वांगीण दृष्टिया, सर्वतो रूपेण भाष्यमिदं सिद्धांतोयं सर्वतो मुखेन राजते राजताम सर्वैः आदरणीयोयम अंशः। यद्यपि नोद नया वाला है, किंतु इसमें तो कोई नम पुराना दर्शन जो है इससे कुछ कम नहीं है। वो दर्शन के लक्षण जो है ये सभी लक्षण इसमें है, इसलिए ये नया दर्शन जो है इस दर्शन से हमें बहुत उपकृत हो चुके हैं। तो सारे विद्वान ने एकमति से, ऐक्य कंठ से उन्होंने कहा, एक ये अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक दर्शन है, और वैदिक दर्शन से प्रतिष्ठापित तो इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का प्रचार प्रसार जो है इस दक्षिण भारत में होना चाहिए। इस दर्शन का स्वागत हम करेंगे, इस दर्शन का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। वयम संपूर्ण हृदयेन अस्य दर्शनस्य स्वागतं कुर्मः। दक्षिणस्यां दिशि अपि प्रवर्ततां संप्रवर्ततां इति स्वागती करोमि। इसका अध्ययन अध्यापन परंपरा में इस भाष्य को हम जरूर अन्वय करेंगे, अन्वय करके इस दर्शन का भी यदि प्रचार हम करेंगे तब वैदिक संस्कृति का अभिवृद्धि निसंशय हो सकता है। अंततः श्री पंकज कुमार जी ने विश्वविद्यालय की ओर से सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए इस अभूतपूर्व बहुदिवसीय शास्त्रार्थ का समापन किया। सर्वेभ्यः एकेन वाक्येन व्यासोऽहं समासेन सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन विषयक इस अभूतपूर्व अवसर के समर्थन में उपस्थित सभी विद्वानों ने एक विशाल पत्र पर हस्ताक्षर कर इसका ऐतिहासिक गौरव बढ़ाया। संगोष्ठी पूर्ण होने के बाद जिस तरह प्रातः दिव्य शोभा यात्रा कर श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के भाष्य ग्रंथों को शास्त्रार्थ भवन में प्रस्थापित किया गया था, उसी तरह पुनः सायंकाल शोभा यात्रा कर वैदिक मंत्रों के घोष और नाद स्वरम के मधुर ध्वनि के साथ कुलपति निवास में प्रस्थापित किया गया। कुलपति श्री मुरलीधर शर्मा जी ने प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज को व्यक्तिगत पत्र लिखकर स्वयं ही इस पूरे अवसर का वृतांत दिया। आज सभी को मानो प्रतीत हो रहा था कि जैसे शंकराचार्य जी का नाम सुनकर अद्वैत दर्शन का स्मरण होता है, रामानुजाचार्य जी का नाम सुनकर विशिष्टाद्वैत दर्शन का स्मरण होता है, मध्वाचार्य जी का नाम सुनकर द्वैत दर्शन का स्मरण होता है, वैसे ही भगवान श्री स्वामीनारायण का नाम सुनकर अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्मरण होता है। स्वामीनारायण अर्थात अक्षर पुरुषोत्तम और अक्षर पुरुषोत्तम अर्थात स्वामीनारायण, इस प्रकार तिरुपति स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में एक अभूतपूर्व बहुदिवसीय ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें दक्षिण भारत के प्रकांड विद्वानों, पंडितों, शास्त्रियों एवं ज्ञान के परम उपासकों के द्वारा पूर्ण रूप से विमर्श परिचर्चा करने के बाद परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का धूमधाम से स्वागत, सत्कार एवं समर्थन किया गया। भारतीय वैदिक सनातन धर्म के दार्शनिक इतिहास में ये अवसर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा।
अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का स्वागत, सम्मान, समर्थन और स्थापन इस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी हुए। आइए अब हम सब विश्वव्यापी कोरोना महामारी के समय के लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण सभा के अंतिम चरण में अब हम सब आरती में जुड़ेंगे। सभी हरिभक्त आरती का दीप प्रज्वलित करें और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संग गुणातीत गुरुओं की आरती में जुड़ें। अक्षर पुरुषोत्तम जय
श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आइए ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान द्वारा आज की सभा की यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्रीहरिं